दिनियां ने बिराद भाई को आरो ना जो माने सारो ओंखाम जानो मोनदों मा जादों कमप्लेन लोंदों आरो आयो मा बियो आयो ओ मा जादों पास्ता हेलो एवरीवन खुलुमबाय वेलकम बैक टू माय चैनल सो लोगोफोर दिनै ब्लगखौ आं एसे फुङावनो स्टार्ट खालामबाय नै शिवा माता माने फुङाव दा ब्रेकफास्ट जागासिनो कमप्लान लोंगासिनो आरो पास्ता जादों गावनि फेभरेट पास्तासो जागोन ओंखायनो बानायना होनांबाय तो दोस्तों आज का ब्लॉग मैंने सुबह ही स्टार्ट कर दिया है अभी सुबह की 8 बजे है और शिवम ब्रेकफास्ट कर रहा है वो अपना फेवरेट ये जो आप लोग को दिख रहा है ये है डिब्बा लेकिन ये शिवम के लिए है ब्रेकफास्ट टेबल उसको यहीं पे ब्रेकफास्ट करना पसंद है तो वो कॉम्प्लान और पास्ता खा रहा है उसका फेवरेट और आजकल के बच्चे मतलब टीवी में एडवर्टाइज देख के ही उसको कॉम्प्लान पीना है बोल के खुद ही मंगवाया कॉम्प्लान पहले तो दूध भी नहीं पीता था लेकिन लकीली अभी खुद ही बोल रहा है कॉम्प्लान पिएगा तो चलो अच्छा है तो आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ ये है एक साग से हम लोग बोलते हैं डोसेम ये थोड़ा टेस्ट में खट्टा है तो इसको मैं आज बनाने जा रही हूँ फिश के साथ और इसी पत्ते के साथ मैंने एक बार पकौड़ा मतलब एक वेज करी भी बनाया था उसका रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी लिंक आप लोग चेक कर सकते हैं लेकिन आज मैं इसे बनाने जा रही हूँ फिश के साथ तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है काइंडली वीडियो देखते रहिए उससे पहले मैं थोड़ा सा ऐसे मिक्स वेज फ्राई कर लूँगी इसमें गाजर है पटल है और इसे हम लोग भात केरला बोलते और प्याज के साथ ऐसे ही ऑयल में फ्राई कर लूँगी तो उसी से जो ऑयल बचेगा उसी में एकदम थोड़े से तेल में ही मतलब आज का जो ये साग है वो बनाऊँगी तो आप लोग वीडियो देखते रहिए सो लोग फिर नहीं फर्स्ट आओ बे भात केरला पटल और गाजर निम्बीस मीन से मिक्स वेज को एवना लग रही से फ्राई बेनी आगलाने थावन आं तमने से थावजों ने दोसेम जों नाजों संनि से सो आशा खालाम नोंथांमोना वीडियो को जोबजासिम नायगोन लगे आंगी वीडियो को तमें रेसीपी को आं हिंदी बुगन मानना जों तो दोसेम को बयबो जाखायो इनफ्राय माबादि सङो बयबो मिथिखायो सो बेनिखायनो बारे बारे रिपीट हिंदी खनसे बर' खनसे बाथ' बुटानो बायो खोनासङो बेनिखायनो आं रेसीपी को पुरा हिंदी बुगन इनफ्राय गेजे गेजे बर'बो होनगोन प्लीज आंखौ जाते गाज्रि मोना नोंथांमोना तो दोस्तों अभी मैं ये फ्राई मिक्स वेज जो फ्राई है ये पहले बना लेती हूँ और ये एकदम सिंपल ही मैंने बनाया है इसमें कुछ नहीं है खाली नमक और हल्दी है और तेल है बस इसको सिम में रख के बीच बीच में ढक के इसको फ्राई कर रही हूँ और इसके बाद ये एकदम बहुत कम हो जाता है देखिए कितना थोड़ा सा हो गया उसके बाद इससे तेल निकलेगा उसी तेल में ये आज का जो ये साग है डोसेम तो मैं वो बनाने जा रही हूँ फिश के साथ तो काइंडली वीडियो देखते रहिए तो यही है वो पत्ता मतलब साग ये इसका टेस्ट थोड़ा खट्टा है तो चलिए इससे पहले अच्छे से धो लेते हैं इसके छोटे छोटे डंडिया होते हैं उसको मैंने निकाल दिया है और फिर अभी इसको अच्छे से हम लोग पानी से धो लेंगे तो ये जो साग है अच्छी तरह से धुल चुका है तो अभी हम इसे काटेंगे नहीं बस हाथ से ऐसे थोड़ा मसल लेंगे क्योंकि ये एकदम मेल्ट हो जाता है तो उसको काटने का ज़रूरत नहीं है कोई कोई तो डायरेक्ट ही डाल देते हैं मैंने फिर भी थोड़ा सा इसको मसल लिया है हाथ से अभी इसे हम लोग बनाने के लिए ये पूरा हो चुका है रेडी और यहाँ पे मैंने कढ़ाई पे एक्चुअली तेल निकलने के लिए मैंने सारे जो फ्राई था उसको साइड साइड में कर दिया है आई होप आप लोग भी ऐसे करते होंगे ताकि तेल जो है वो नीचे आ जाए उसका तो अब इसी तेल में जो देखिए इतना थोड़ा सा तेल है इसी में मैं वो साग बनाने जा रही हूँ तो लेकिन फिर आंगटा मैंने भाजा को इसे साइड साइड और खामना हरमन जैसे ठावा सिंगो ठांगा और ना बनफाई भी ठाव जंग बनाने चीनी ओंख्री को दाबीको बेलेग मुझे बासनों खांगना लान से तो दोस्तों अभी मैं इसको एक अलग से बर्तन में रख देती हूँ फ्राई को और यहाँ पे मैंने सरसों का तेल ही यूज़ किया है मस्टर्ड ऑयल तो मैंने सारे फ्राई निकाल लिए हैं इसको अलग से बर्तन में रख लिया है इसको साइड कर दूंगी और आज की रेसिपी के लिए हमें बस चाहिए लहसुन यहाँ से मैं 4-5 कलियाँ ले लूँगी बस इसे मैंने थोड़ा सा ऐसे पीस लिया है इसमें
तो इस एक ज़्यादा से ज़्यादा ये एक स्पून ही होगा, छोटा चम्मच। तो ये जो बचा हुआ तेल है मस्टर्ड ऑयल में, मैं ये डाल दूँगी लहसुन और इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद ज़्यादा भी ब्राउन नहीं करना है, बस थोड़ा सा ये फ्राई हो जाए, फिर इसमें ये जो पत्ता है सारा इसमें डाल देंगे। तो लगे फिर जे बी ठाओ खाली अंग सामरम को फूल होदन सरबा सरबा सामरम बो सामरम गजा किंतु आं खाली सामरम को फूल होदन ओमफ्राय सरबा सरबा हाइजें बो किंतु जा आया हाइजें को बारा जाया सो आं सामरम गुफुर जोंनो बानायनोसै। सो नोंथांमोना मा मा माने आरो मा मा बायदि संनो हायो प्लिज आंखौ खोन्थादो रेसिपिफोरखौ माजों जानो हायो। तो दोस्तों अभी सारा पत्ता जो है साग मैं यहाँ पे डाल दूंगी, इसको भी अच्छे से हम लोग फ्राई कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों अभी ये जो साग है थोड़ा थोड़ा मेल्ट होना शुरू हो गया है, इसका कलर भी चेंज हो रहा है। तो अभी हम यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार। सोंख्री हो भाई ओमफ्राय इसे हल्दी भी हंसे। तो अभी हम लोग डालेंगे थोड़ा सा हल्दी और उसके बाद थोड़ा सा डालेंगे जीरा पाउडर। हाँ, और एक बात, मैंने यहाँ पे चिली का यूज़ नहीं किया है क्योंकि मैं ये शिवम को भी देने वाली हूँ खाने पे, तो वो चिली खा नहीं सकता है और मेरे हस्बैंड को भी चिली इतना पसंद नहीं है, तो एकदम प्लेन बनेगा। लेकिन आप लोग अगर चिली खाते हैं तो प्लीज़ आप लोग यहाँ पे चिली, ग्रीन चिली ऐड करना मत भूलिएगा। और ये रहा फिश फ्राई जो कि पहले ही मैंने फ्राई करके रखा हुआ था। तो फिश को डालने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा डालेंगे पानी, थोड़ा सा मसालों को और अच्छी तरह से पकने देंगे, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा पानी दे लेंगे पहले, इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे अच्छे से और थोड़ा सा पकने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए दोस्तों साग जो है अच्छी तरह से पूरा पक चुका है, मेल्ट हो चुका है। तो अभी हम इसमें और थोड़ा ज़्यादा पानी डाल देंगे और फिश भी यहाँ पे डाल के इसको पूरा अच्छी तरह से बॉईल होने के लिए दे देंगे। लेकिन फिर डे होनी से डा देखे से बुझाने होनी से एंड फ्राई बस बिदिया मजा जागन ना गठाव जागन ना थागन ना लाए सो इसे गुरु होनी से। सो एकदम इजी रेसिपी, आं तो एकदम प्लेन बनाइए। सो नोंथांमोना माबादि बानायोबा आंनि संनाया जादों ना जायाखै खोन्थादो कमेन्ट सेक्सनाव। बारा संनो आं इमान गोरों नङा किन्तु खालि ओरैनो सलियो आरो ना। दोस्तों अभी यहाँ पे मैंने फिश ऐड कर दिया है, चार या पाँच पीस काफ़ी है। तो अभी पानी में पूरा इसको अच्छी तरह से पूरा फुल फ्लेम में इसको पूरा पकाएंगे ताकि फिश जो है थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। तो अब पानी थोड़ा ज़्यादा ही दिया है उसको, आधा जितना पानी है उससे एकदम आधा करना है। तो इसको थोड़ा सा भी ढक देंगे ताकि पानी में अच्छे से बॉयल हो जाए। तो गैस का फ्लेम लो था तो अभी मैं इसको बढ़ा रही हूँ, फुल फ्लेम में दे रही हूँ। तो लगे फिर गैस खबा रहे ना हो भाई फ्राई दो से खबना दन भाई नहीं गुडू बया ना। तो देखिए दोस्तों इसमें बॉयल आ चुका है, पूरा उबल रहा है। तो थोड़ा सा इसको हिला देंगे, सारा साग जो है ढक्कन में लग गया है तो इसको मैं थोड़ा सा निकाल रही हूँ फिर से। तो दोस्तों ये ऑलमोस्ट पानी जितना मैंने दिया था उससे बहुत आधा हो चुका है। तो अभी हम गैस बंद कर सकते हैं, ये ऑलमोस्ट हो चुका है हम लोग का आज का फिश करी बन चुका है। तो अभी मैं गैस बंद कर दूंगी और इसको एक दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर दूंगी। तो लगे फिर नई इंक्रिया मन बाई ओमफ्राय आं बेखोदा बे मन से बासनों दिनसै ओमफ्राय फास्टों ना खो बोखारग्रोदों नहले बायनो हागौ नाया। तो मैंने पहले एक एक करके फ़िश निकाल लिया है, नहीं तो फ़िश टूट सकता है। तो उसके बाद सारा जो मतलब करी है इसमें डाल दूँगी। तो एकदम इजी रेसिपी, हेल्दी रेसिपी, ये गर्मियों में मतलब पेट के लिए बहुत ही अच्छा है। आज हम लोग को यहाँ पे बहुत ही गर्मी है तो सोचा ये खट्टा बना लो तो अच्छा लगेगा थोड़ा।
और अगर धनिया पत्ता होता तो और भी ज़्यादा टेस्ट लगता, लेकिन धनिया पत्ता नहीं है मेरे घर पे, तो अफसोस धनिया नहीं दे पाई, तो ऐसे ही खाना पड़ेगा। तो लोग फिर जो बिजने जानंग से गन ढुंडिया हवा गाउसिन जागोमन मदम गुमन ना मजंग तो गया ना लाई बिजन से। इनफैक्ट मिक्स वेज दाल भी माना है भाई, तो मैंने थोड़ा सा मिक्स वेज दाल बना लिया है, थोड़ा सा अंडा भुर्जी बनाया है और एक जो फ्राई है वो है। तो लोग फिर नहीं डाउडी को टमेटो जंग विधि एवना ला भाई डाउडी भुर्जी। इनफ्राई बे दोहनी बोतल भात केला और गाजर बेफा जाया। इनफ्राई बेनि से इनफ्राई जानी से बेने जंगनी सान्दु फुंनी ओंखाम ओंख्रिया। सो दा जानी से तो दोस्तों कहने के लिए तो ये बहुत ही सिंपल मेन्यू है, लेकिन आज का लंच बहुत स्पेशल है क्योंकि आज बहुत दिनों बाद हम मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों एक साथ लंच करने वाले हैं, क्योंकि मौका ही नहीं मिलता है साथ में लंच करने का। मुझे स्कूल जाना पड़ता है, हस्बैंड को भी काम रहता है, तो लॉकडाउन की वजह से ही आज एक साथ खा रहे हैं हम लोग। तो चलिए डाइनिंग टेबल पर मिलते हैं, एक साथ लंच करते हैं। बिराद भाग्य आरो ना जो माने सारो ओंखाम जानो मोनदों लकडाउन नि थाखाय नोबाथ' बेनो लाजायो मोना आरो आंबो स्कुलाव थाङो ओमफ्राय आं बे एसे थाब जायो ओंखामखौ आं इमान थाब जानो हाया किन्तु दिनै ब्रेकफास्ट आं खालामासै ज' ज' जानोसै ओमफ्राय बेनिनो फेभरेट ना नों गावनो लाना जादो सो जानोसै दिनै सिम्पल लान्स किन्तु स्पेसियेल आरो मानि थाखाय माने ज' जानो मोनबाय आरो लान्सखौ हरावनो बांसिन ज' जानाय जायो सानाव जानाय जाया सो जानोसै ओमफ्राय शिवमखौ जों जाखांनानैसो दसिगोन मानोना बे अलरेडि पास्ता सास्ता माबा जाबाय सो जानाय नङा दा सो बिराद गोलोमबायबो सो बारा रायलायला ओमफ्राय जानोसै ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ जोबजासिम माने नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर लोगोसे मोजां मोनोबा काइन्डलि लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामदो ओमफ्राय ना ओंख्रिया माबायदि जादों बेनि रियेक्सनखौ नायग्रोदो ना बढ़िया थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो बाय 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 बाय